विश्व की बड़ी खबर सामने आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फोन पर बात की है। जी हाँ, जेलेंस्की ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। ये साफ तौर पर आप अपने स्क्रीन पर जेलेंस्की का ट्वीट देख सकते हैं। पीएम मोदी ने जेलेंस्की से बात की है, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से बातचीत की है। जेलेंस्की ने पीएम मोदी से अपील की है कि उन्हें पॉलिटिकल सपोर्ट दी जाए। रूस के हमले के बारे में भारत को बताया है जेलेंस्की ने, ऐसा अपने ट्वीट में लिखा है। रिहायशी इलाकों को रूस जो है वो निशाना बना रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परसों पुतिन से बात की थी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेलेंस्की से बात की है। खुद यूक्रेन के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस बात की जानकारी ट्वीट कर दी है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले पुतिन से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन पुतिन अगर देखा जाए तो वो मानने को तैयार नहीं है। पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि शांतता बनाए रखे, लेकिन शांतता बनाए रखने की अपील क्यों जो है वो भारत ने जो की थी वो नहीं मानी पुतिन ने। एक शांति की पहल जो है भारत ने की थी, हालांकि सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया के तमाम बड़े देशों ने भी पुतिन से बातचीत की, समझाने की कोशिश की, लेकिन पुतिन मानने को तैयार नहीं है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की है। आज की अगर बात की जाए तो आज युद्ध का तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी तबाही जो है वो जारी है, तबाही रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जेलेंस्की ने साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया है कि किस तरीके से रूस जो है, रूस के सैनिक जो है वो रिहायशी इमारतों पर हमला कर रहे हैं, रिहायशी इमारतों पर मिसाइल दाग रहे हैं, जिससे कई लोगों की जान जा रही है, कई लोग जो है तबाह हो रहे हैं। रूस जो है वो पूरी तरीके से यूक्रेन को तबाह कर रहा है। ऐसे में यूक्रेन ने भारत से मदद की गुहार लगाई है। साफ तौर पर भारत से यूक्रेन ने, यूक्रेन की राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सपोर्ट की मांग की है कि उन्हें सपोर्ट किया जाए, उनकी मदद की जाए। राष्ट्रपति जो है वो हथियार मांग रहे हैं, जेलेंस्की लगातार दुनिया के तमाम ताकतवर देशों से हथियार के मांग कर रहे हैं कि हमें हथियार दिया जाए, हम लड़ेंगे, हमें अकेला ना छोड़ा जाए, हमारा साथ दिया जाए। नाटो के देशों से उन्हें काफी ज्यादा जो है उम्मीदें थी, लेकिन वो उम्मीद जो है अब पूरी तरीके से टूट चुकी है। साफ तौर पर पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की और जेलेंस्की ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है।